तब भुवनेश्वर जी के आत्मा से अश्रु बहने लगे। बहुत ध्यान से समझना, भुवनेश्वर जी कहते हैं, हे हनुमान, मैं इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 36 दांतों के बीच में जीव रहती है। महाराज, हनुमान जैसा संत कौन हो सकता? बोलो, हनुमान जैसा संत कोई हो सकता? हनुमान जी ने बुद्धि से भुवनेश्वर को समझाया, आप लोग भी समझें। एक बार जीव ने दांतों से कहा, देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ, डार में एक थोड़ा सा छोटा सा भी तिनका लग जाए, महाराज जीव तब तक चैन नहीं लेती जब तक उसे निकाल नहीं देती, और ना निकालो तो जीव बार बार वही घूम के जाएगी, अब चैन नहीं पड़ेगा, बेचैन हो जाओ। जीव कहती है, मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ, पर समय लगेगा, समय आने पर तुम हमें तुरंत काट देते हो। दांतों ने कहा, देखो हम 32 है, कितने 32, और तुम अकेली हो, और तुम अकेली हो तो डर के रहना पड़ेगा, और नहीं रहोगी तो करोगी भी क्या? जीव ने कहा, तुम भले ही 32 बने रहो, जीव अकेली अगर किसी को एक गाली दे दे, सामने से कोई आएगा एक भूसा मुंह पे मारेगा, 3200 बाहर निकल जाएंगे। ध्यान से समझना, अर्थ समझना, जीव में हड्डी हड्डी होती है नहीं होती है? महाराज जीव है सज्जन और दांत कैसे हैं टाइट, महाराज मौका मिलते ही काट लेते। महाराज इसका अर्थ अभी बताएंगे, समझाएंगे। ए भैया, हम ही बड़ा हलचल मचा देते हैं नौजवान, प्लीज हलचल ना मचाएं, कथा में हम विघ्न हो जाता है। बोले बोले हनुमान की, कोई बुलाए इशारा करे तुरंत खड़े हो जाओ, अबे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींच है। बोले बोले हनुमान की, निवेदन है श्रोताओं से, हनुमान जी कहते हैं, अरे